हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक, और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर की फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी सेकंड, जिसमें ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसके अंतर्गत हम इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम की बात करें तो यह एक जटिल, देखो इकोसिस्टम को हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र एक जटिल प्रक्रिया है, प्रणाली है, जिसके अंतर्गत सजीव तथा निर्जीव घटक परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये हमारी इकोसिस्टम की परिभाषा हो गई। जैसे समझ लीजिए एक एग्जांपल से, आप जैसे जल है, जल में जो हमारे जीव जीव रहते हैं वो वहां का पर्यावरण, जल वहां का पर्यावरण हो गया, और वहां पर जो जीव रहते हैं उनके बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। वो एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, इकोसिस्टम कह सकते हैं। सम्मिलित रूप से जो मछलियां हैं और उस तालाब की, तालाब और उसमें जो मछलियां हैं, जो भी जीव है मेंढक हो गए, वो सभी सम्मिलित रूप से एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो हमारा है एबायोटिक कंपोनेंट, यानी इसका मतलब होता है इकोसिस्टम के घटक, कंपोनेंट का मतलब होता है। तो इकोसिस्टम के दो घटक हैं, पहला घटक है एबायोटिक कंपोनेंट, इसे हिंदी में कहेंगे अजैविक घटक। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत तीन घटक आते हैं, या फिर इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहे तो इसके अंतर्गत वो घटक आते हैं जो कि निर्जीव होते हैं। एक ये इसकी परिभाषा हो गई, ये ऐसे लिख लीजिए, ये निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, यानी ये घटक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। अब ये तीन घटकों में इसे बांटा गया है। जो पहला घटक है जो इसका, वो है हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ओके, यानी अकार्बनिक कंपोनेंट घटक। इसमें क्या होता है, वे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, कार्बन उपस्थित नहीं है, नहीं होता है,
वे घटक जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं। उस इसके एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब सारी चीजें ईटीसी ऐसे कह सकते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, वो सब किसमें आ जाते हैं? इनऑर्गेनिक में। इसी तरह इसका जो दूसरा घटक है एबायोटिक का, वो है हमारा ऑर्गेनिक, गैनिक कंपोनेंट, यानी कार्बनिक घटक जिसमें जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित हो। शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आप इसकी परिभाषा जब लिखेंगे सही से लिखेंगे, वे घटक जिनमें कार्बन परमाणु या परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बनिक कंपोनेंट या फिर कार्बनिक घटक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट, कार्बो हाइड्रेट, ये सब क्या है? अकार्बनिक कंपोनेंट है। उसके बाद इसका एक और तीसरा का जो कंपोनेंट इसी के अंतर्गत आता है, वो सी है क्लाइमेट, क्लाइमेटिक रीजन। इसमें अंतर्गत देखिए आपके क्या आ जाते हैं, इसमें आपके टेम्परेचर आ जाता है, ताप, दाब, दाब मतलब प्रेशर, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्रता। एक चीज जान लीजिए, ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है इसका, इसे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच ही कड़ी कहा जाता है, ये आपसे पूछ सकता है एक नंबर में। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बायोटिक और दूसरा जो इसका होगा बायोटिक और एबायोटिक के बीच ही कड़ी कहा जाता है इसे। अब दूसरा जो इसका कंपोनेंट था इकोसिस्टम का, पहला था बायोटिक, इसका दूसरा है हमारा बायोटिक, पहला एबायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट। अब जो बायोटिक कंपोनेंट होता है इसके तीन भाग होते हैं, इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला भाग है हमारा वो है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, उत्पादक। देखिए ये उत्पादक जो होते हैं ये हमारे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी यानी ये प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन भोजन बनाते हैं। अब जैसे बात करते हैं ग्रासलैंड की बात करें अगर हम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इको सिस्टम, वहां पर जो होंगे ये प्रोड्यूसर्स कौन होगा? वहां पर हरे पौधे होंगे, हरे पौधे, और इसी तरह अगर हम बात करें इसकी वाटर, वाटर इकोसिस्टम की, तो उसमें जो हमारे होंगे वो होंगे पादप लवक,
लवक, यानी कि वे आपने एल्गी वगैरह देखी होंगी जो तालाबों वगैरह में पाई जाती हैं, वो क्या करेंगी, सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन निर्मित करेंगी, और उन्हें फिर जो जल में रहने वाले कीट हैं या फिर जीव हैं उनको ग्रहण करेंगे। यानी ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बना रहे हैं। अभी जो इसका बी है, चलिए इसे हम कैप्टर में नाम दे देते हैं, कैप्टर। हाँ, वो है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स वे होते हैं जो कि किसी चीज को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो 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 किसी चीज को ग्रहण करते हैं क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इसे तीन भागों में बांटा गया है। इसका पहला जो है वो कंज्यूमर्स को तीन टाइप में बांटा गया है। पहला जो है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी, कंज्यूमर, ओके। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं हमारे, ये हमारे शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं, शाकाहारी, ठीक है। और ये भोजन के रूप में, एक तो तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वीडियो बार बार बीच में रुक रुक जा रहा है, ओवर हीटिंग की वजह से कैमरा बंद हो जा रहा है। तो यहां पर कहीं पर देखते हैं, कंज्यूमर्स से हम शुरू करते हैं दोबारा से। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो जो किसी चीज को ग्रहण करते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। और ये तीन तरीके कंज्यूमर्स होते हैं। पहला कंज्यूमर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या होता है, शाकाहारी होते हैं, ये भोजन के रूप में हमेशा हरे पौधों को ग्रहण करते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें खाते हैं, ओके। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं मांसाहारी, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में सेकेंड प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम टर्सरी कंज्यूमर्स की। टर्सरी कंज्यूमर्स ये सर्वाहारी होते हैं और ये भोजन के रूप में द्वितीय कंज्यूमर्स जो होते हैं उन्हें खाते हैं, और ये पेड़ पौधों का भी सेवन करते हैं। तो इसके आगे हमारे जो आते हैं वे हैं डिकम्पोजर्स। ये हमारा बी था, तो ये सी होंगे, तीसरा डी कंपोजर्स, ओके। यानी आप घटक, इन्हें क्या कहेंगे, अप घटक। देखिए, आप घटक में सिर्फ दो चीजें आती हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंगी, कुछ तरह के फंगी आते हैं इसमें। देखिए, अब घटक क्या काम करते हैं, डिकम्पोजर, जो जीव मर जाते हैं उन्हें खाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उन्हें, और मिट्टी में मिला देते हैं, यानी तोड़ देते हैं छोटे छोटे भागों में, उन्हें क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। वो जो तोड़ते हैं उन्हें डिकम्पोजर कहते हैं, और ये आप घटक कहते हैं। उसके बाद चौथे, उसके बाद जो चौथा आता है वो होता है ट्रांसफार्मर्स। ये नॉर्मली आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी होता है। इसे मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया है, तो समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, क्लार्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था। क्लार्क के अनुसार ट्रांसफार्मर्स एक इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी होते हैं। ये क्या होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसको पूरा करने वाली अंतिम कड़ी होते हैं। इसमें वे जीवाणु यानी बैक्टीरिया आते हैं, जो कि अपघटित पदार्थों को कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं, जो पुनः प्रोड्यूसर्स द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, क्या है कि इसमें वे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि जो डिकम्पोजर्स ने जिन्हें पहले तोड़ा, उसके बाद इस पर ट्रांसफार्मर्स वर्क करेंगे और इन्हें कार्बनिक और अकार्बनिक भागों में तोड़ देंगे, जिसका प्रयोग कौन करेगा, पौधे करेंगे। तो इस तरह ये हमारी क्या होती है, खाद्य श्रृंखला
पूरी होती है। धन्यवाद, और आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसके लगातार वीडियो लाएंगे और देरी नहीं होगी, ये हमारा प्रॉमिस है।